ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र एवं पीजी वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में विश्वविद्यालय के प्रबंधन भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। इस जांच शिविर का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह ने किया। इस अवसर पर कई विभाग के विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी, कर्मचारी एवं प्रबंधन भवन के सभी कर्मचारी पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के जांच शिविर से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। हम चाहते हैं कि लगातार इस प्रकार का जांच शिविर आयोजन होता रहे, जिससे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी पदाधिकारी एवं जो छात्र हैं इससे लाभ ले सकेंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। इस संबंध में कुलपति ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कंपनसेशन के दायरे में डॉक्टर आ गया, पूरा हॉस्पिटल इस केस को लड़ता है। कोई गलती किसी की भी हो, लेकिन तुरंत ही डॉक्टर लड़ने के लिए आता है। और जो फिजिकली असाल्ट होते हैं हॉस्पिटल में, वो तो दीगर है, छोटे तंत्र में वो दीगर है। लेकिन जो ये बड़े घटनाक्रम जो सारे कोर्टों की सीरीज लगी हुई है मुकदमे की, वो अलग है। तो इस परिस्थिति में डॉक्टर का काम कोई कर सके, जाहिर सी बात है बहुत दबाव का क्षेत्र है। हम लोग कुछ भी पढ़ाएं, गलत पढ़ाएं, सही पढ़ाएं, आए ना आए इम्तिहान में, कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। सब पास हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं, और सब निपट जाए तब भी कोई फर्क नहीं। लेकिन डॉक्टर के यहाँ इस तरह की बात नहीं है, वो दोनों में उसे परेशानी होनी है। सब ठीक हो जाए तो मेहनत करनी है, नहीं ठीक हुई 1% भी कहीं नीचे आया तो वो 0.011% जितना अब तक हमने किया है तो सब पे पत्थर लगा देगा, और जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए तमाम सारे ब्लेम आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, वो चीज़ें बन जाएंगी। ये तो एक सामान्य सी बात है, हम सभी इसको समझते नहीं समझते। आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, और जब लीडरशिप को पढ़ते हैं, मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, तो उस लीडरशिप मैनेजमेंट में एक अपेक्स क्वालिटी की लीडरशिप होती है जो इमर्ज करती है, जिसे 7th grade की लीडरशिप बोलते हैं टेक्निकली नॉमिनेट करने पर। 1 से लगा के 7 तक इसको किया गया, 7th level की बोलते हैं। जैसे एक टोपी किसी के सर पे लगाइए फौज की, तो वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, कुछ भी ना लिखिए, कुछ भी ना पढ़िए, वो टोपी लगा करके बंद गले का कोट लगाइए, तो अपने आप इमेजिनेशन होता सुभाष चंद्र बोस की इमेज। एक चश्मा लगाइए और एक डंडा लगा दीजिए, एक डंडी टूटी हुई, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं पढ़ना है, इमिडिएटली डिनोट हो जाएगा, डिकोट हो जाएगा कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है। लीडरशिप की ये क्वालिटी, अगर ये टॉप लीडरशिप है, अपेक्स लीडरशिप है, तो वो रहे या ना रहे, वो इमीडिएटली इम्पैक्ट डालता है आप पर। आपने बताया अभी कि डॉक्टर त्रेहन ऐसा नाम है, कोई अस्पताल जोड़ने की जरूरत नहीं है, न बताने की जरूरत है किस चीज की वो डॉक्टर है। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर डॉक्टर तेहन की अपनी एक पहचान है, उसी तरह से लीडरशिप है जैसे गांधी की हमने आपको कोट किया या सुभाष चंद्र बोस की किया। ये कार्डियो कैस्ट्रो हेल्थ चेकअप कैंप जो मेदांता अस्पताल गुरुग्राम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर और ये पीजी डिपार्टमेंट का कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो इसके सहयोग से हम लोग आज यहाँ मेदांता अस्पताल गुड़गांव की तरफ से कार्डियो और गैस्ट्रो हेल्थ चेकअप कैंप का कर रहे हैं। इस हेल्थ चेकअप कैंप में हमारी तरफ से हार्ट चेकअप की सुविधा है, हार्ट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उपलब्ध रहेंगे। और इस कैंप में हम PFT और ब्लड शुगर की जाँच और ECG की जाँच, ये सारी सुविधाएँ हम मुफ्त में मेदांता अस्पताल प्रोग्राम के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस हेल्थ चेकअप कैंप जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग
जितने भी हमारे पूरे देश में हम लोग की टीम जाती है वहाँ हेल्थ चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के द्वारा। इस कैंप में हम लोग जो भी सुविधाओं के लिए ये सुविधा हमारी तरफ से दी जाती है। कितने डॉक्टरों की टीम है, कितने सदस्य हैं आपके साथ? हमारे साथ हम लोग टोटल 10 लोगों की टीम है, जिसमें कि 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सपोर्टिव स्टाफ की टीम है। समाज को इससे क्या फ़ायदा होगा? समाज जो है, समाज को ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मुफ्त मिल रही हैं, और जो हमारा जो स्पेशलिस्ट जो एक डॉक्टर्स की राय है इसका समाज को फ़ायदा होता है। विभाग में कुछ इनोवेटिव कार्य होना चाहिए और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, सामाजिक दायित्व समझ करके भी कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे शिक्षक छात्र और समाज के लोग भी लाभान्वित हों। इसी क्रम में हमने यहाँ पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसका आयोजन हेल्थ सेंटर और कॉमर्स डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जिस जो मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम दिल्ली द्वारा प्रायोजित है, वहाँ के डॉक्टर्स की टीम आए हैं